गाइस वेलकम बैक टू पीसी वाले YouTube चैनल है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Ryzen 3000 जिनकी की प्राइसिंग लीक होके आई है एंड NVIDIA के GTX 1650 एंड 1660 नॉन TI वर्जन की जिनकी की रिलीज डेट कंफर्म होके आई है। तो AMD की प्राइसिंग और NVIDIA की रिलीज डेट, इन दो चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं NVIDIA से, चलो शुरुआत AMD से करते हैं फिर NVIDIA की तरफ जाएंगे क्योंकि CPU से GPU की तरफ मूव करना आसान होगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी है और मैं इसके ऊपर लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं बिजी था। एंड यहाँ पे कोई सिंगापुरियन रिटेलर है जिसने कि अपनी साइट पे, या मैं कहूँगा वाया टॉम्स हार्डवेयर, उसने अपने कुछ सीपीयूज़ की लिस्टिंग दी है जिसके अंदर आपके आने वाले एएमडी जो सीपीयूज़ थे 3000 सीरीज़ के जेन 2 आर्किटेक्चर 7 नैनोमीटर पे बेस्ड, उनकी भी प्राइसिंग है। लेकिन यहाँ पे ये जो प्राइसिंग है ये इनकी सिंगापुरियन डॉलर्स में है। अगर मैं आपको यूएस डॉलर्स में बात करूँ तो यूएस डॉलर्स में जो है इनकी प्राइसिंग जो बताई जा रही है, वो बताई जा रही है कि जो राइजन 3850X आएगा, जो 16 कोर्स का सीपीयू होगा, वो $560 का होगा, जिसको कि अगर आप, मैं एक मिनट कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, एंड $560 को मान लो रुपया 70 पे चल रहा है, ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं, चलो यार एक काम करते हैं ना, सिंपल गूगल पे पता करते हैं एकदम करेक्ट प्राइस, $560 तो ये आपको अराउंड 39,198.26 रुपीज़ प्लस 18% GST के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस टाइप की प्राइसिंग है, आप कैलकुलेट खुद कर लेना। यहाँ पे 16 कोर्स का जो सीपीयू है वो 560 US डॉलर्स का बताया जा रहा है। जो राइजन 7 3700X का है, जो 12 कोर्स का सीपीयू है वो बताया जा रहा है $370 का। जो राइजन 5 है जो 8 कोर का होगा, राइजन 5 3600X या 3600X की यहाँ पे बताई जा रही है प्राइस, तो वो बताई जा रही है $260 के आसपास। इसमें आप 18% GST अलग से ऐड कर लेना। तो ये प्राइसिंग इनकी बताई जा रही है। अब अगेन ये इस प्राइस पे आते हैं या नहीं आते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जब ये चीज़ लीक होके आई ना, तो उसके बाद ना कुछ लोगों ने, जिस बंदे मतलब जिस रिटेलर ने, पता नहीं कौन पागल आदमी मैसेज कर रहा, रुको एयरप्लेन मोड में, एयरप्लेन मोड में डालूंगा तो फिर मैं तुम्हें प्राइस कैसे कैलकुलेट करूँ गूगल से। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लोगों ने, जो वो रिटेलर था जिसने ये प्राइस लिस्टिंग लीक करी, उसको जो है वो मेल किया, किसी ने उसको व्हाट्सएप वगैरह पे कांटेक्ट किया एंड वहां से फिर उनको सामने से रिप्लाई भी आया। तो उस रिप्लाई में, मेरे पास वो रिप्लाई वाले स्क्रीनशॉट तो नहीं है बट वो इंटरनेट पे तुम्हें बहुत सारी वीडियोस में मिल भी जाएंगे। वहां पर उनका रिप्लाई ये था कि जो राइजन 9 है, जो जिसके अंदर तुम्हारे 16 कोर्स है, वो लेट में रिलीज होगा, मतलब वो थोड़ा बाद में रिलीज होगा, एंड और जो तुम्हारे राइजन मेन स्ट्रीम्स है, मतलब जैसे राइजन 7 राइजन 5, ये थोड़े पहले रिलीज होंगे। तो तुम्हारा जो राइजन 9 है वो तुम्हें बाद में देखने को मिलेगा। तो अगर तुम्हें से किसी का राइजन 9 को बाय करने का बजट है तो वो थोड़ा उसको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्राइसिंग है ये सिंगापुरियन डॉलर्स में, आप चाहो तो इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो एंड फिर उस यूएस डॉलर्स को फिर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपके पास इतना टाइम है तो। एंड अब ये पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, लेकिन हाँ अगेन आपको एक लीक्स देखने को मिल गया एंड उनकी व्हाट्सएप चैट एंड ईमेल में जो चैट हुई है उससे फर्क, उससे ये पता चलता है कि ये अराउंड 4 to 6 वीक्स के अंदर जो है वो रिलीज हो सकता है। अब यार देखने वाली बात होगी वो 4 to 6 वीक के अंदर रिलीज होगा या नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि ये 7 तारीख 7वें महीने को लॉन्च होगा, लेकिन फिर अगेन अगर हम 7 तारीख 7वें महीने को की तरफ देखते हैं कि 7 तारीख और 7वें महीने को AMD अपने ग्राफिक्स कार्ड एंड CPU लॉन्च करता है, तो अगर हम 7 तारीख को कैलेंडर में देखें तो 7 तारीख को पड़ रहा है संडे, तो अगर 7 तारीख को पड़ रहा है संडे तो संडे को तो लॉन्च इवेंट होता नहीं है। तो पता नहीं वो बात कितनी सच है या नहीं है। तो ये सब कुछ एजम्पशंस वगैरह चल रहे हैं, रूमर्स चल रहे हैं। तुम्हें पता है प्रोडक्ट लॉन्च जब होता है तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अगेन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इन लॉन्चेस के चक्कर में मत पड़ो। अगर हाँ आपके पास उतना पैसा है, आप वेट कर सकते हो, आप जो काम करने के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हो वो चीज़ वेट कर सकती है, तो अगेन वेट करना वर्थ है। लेकिन देखो, अगर आपको अभी के टाइम पे चाहिए एक स्ट्रीमिंग चैनल बनाना है या कुछ भी करना है और आपको चाहिए उसके लिए कि मेरा 4K पे 60Hz चल जाए, ठीक है, और वो 4K पे 60Hz अगर आपको Ryzen 7 चला के दे रहा है, तो अभी वाला Ryzen 7 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपकी जरूरत अभी जो CPUs मार्केट में है वो पूरी कर रहे हैं तो अभी वाले CPUs के लिए रुक जाओ, क्योंकि अभी ये Ryzen 7 आएगा, उसके बाद फिर Intel का 10 नैनोमीटर आएगा, फिर NVIDIA के 7 नैनोमीटर वाले GPUs आएंगे, AMD के 7 नैनोमीटर वाले GPUs आएंगे, और आप जो है वो जिंदगी भर इंतजार ही करते रहोगे। फिर उसके बाद फिर हाँ, Intel ने भी तो बोला है कि वो भी अपने ग्राफिक्स कार्ड रिलीज करेगा, वो पता नहीं कैसे ग्राफिक्स कार्ड होंगे, वर्कस्टेशन वाले होंगे या कंज्यूमर लेवल होंगे। सो बहुत सारी चीजें होने वाली है, लॉन्चेस नए नए होते रहेंगे, आप इंतजार करते रह जाओगे। अभी NVIDIA का 1650 की लॉन्च डेट आई है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं।
तो अभी 1650 आई है, कुछ लोग 1650 के लिए वेट कर रहे होंगे, कुछ लोग फिर नावी के लिए वेट कर रहे होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ ग्राफिक कार्ड सीपीयू लॉन्च होते रहेंगे, अगर आपकी ज़रूरत अभी वाला सीपीयू जो मार्केट में है वो पूरी कर रहा है तो उसको ले लो, चलो कोई बात नहीं। फिर भी बात करते हैं एनवीडिया के 1650 के बारे में, जो कि 1050 Ti को रिप्लेस करेगा, एंड GeForce GTX 1660 को, जो कि मेरे ख्याल से RS 590 को टक्कर देगा। तो शुरुआत करते हैं GTX 1660 से। 1660 की जो बताई जा रही है लीक्स, वो बताई जा रही है क्यूडा कोर्स इसके अंदर होंगे 1408 यानी कि 1408 क्यूटा कोर्स 1408, जो कि कम है 1660 Ti के मुकाबले। इसकी बेस क्लॉक जो है वो थोड़ी ज्यादा है, बूस्ट क्लॉक भी थोड़ी ज्यादा है 1660 Ti के मुकाबले, लेकिन क्यूडा कोर्स कम है। तो बेस क्लॉक इसकी बताई जा रही है 1530 यानी कि 1530 मेगाहर्ट्ज़, 1660 Ti की थी 1500 मेगाहर्ट्ज़, इसकी 1530 है, मतलब 30 मेगाहर्ट्ज़ ज्यादा। 1660 Ti की बूस्ट क्लॉक थी 1770 मेगाहर्ट्ज़, इसकी है 1785 मेगाहर्ट्ज़। अब मेरे को वो 80 को क्या बोलते, 85, ठीक है, तो वो आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया, छोड़ो उसको, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। मेमोरी क्लॉक की मैं बात करूँ तो इसकी 8 GBPS की है मेमोरी क्लॉक, और उसकी जो है वो 1660 Ti की वो 12 GB की मेमोरी क्लॉक है, ठीक है, तो 12 GBPS की। और यहाँ पे इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो तुम्हारा 1660 होगा वो GDDR5 पे बेस्ड होगा, 6 GB GDDR5, एंड जो 1660 Ti होगा वो 6 GB GDDR6 वाला है, ठीक है। कहीं पे मतलब काफ़ी टाइम पहले ये रूमर्स भी आ रहे थे कि जो 1660 होगा वो 1660 Ti ही होगा, लेकिन उसका 3 GB वाला, जैसे तुम्हें पता है ना 1620 जो तुम्हारा 1060 ग्राफिक कार्ड था, 1060 का एक 3 GB वेरियंट था, एक 6 GB वेरियंट था, हालांकि था एक 5 GB वाला भी, वो चाइना स्पेसिफिक था, लेकिन थानी है इसका बताया जा रहा था कि जो 1660 होगा वो 3 GB वाला वेरिएंट होगा, लेकिन यहाँ 3 GB नहीं है, ये 6 GB वेरिएंट है, और ये टक्कर देगा RS 590 को। अब यहाँ पे 3 GB वाला वेरिएंट मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि वो बहुत बेवकूफाना चीज़ होगी, बिकॉज अगर आप देखो तो 1660 Ti जो है वो 1070 को टक्कर देता है, और 1070 है एक 2K गेमिंग ग्राफिक कार्ड, तो यानी अगर आप एक 1440p गेमिंग रिग बना रहे हो तो उसमें आप ये ग्राफिक कार्ड 1660 Ti यूज़ करोगे अपने लेटेस्ट हार्डवेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1070 पुराना हो चुका है, 1660 Ti नया है, तो आप इसको यूज़ करोगे 2K पे गेमिंग करने के लिए। लेकिन अगर आप इसी ग्राफिक कार्ड का एक कट डाउन वर्जन निकालते हो जो कि 3 GB वेरिएंट वाला है, तो गाइस यार 2K पे गेम करने के लिए 3 GB वेरिएंट अगेन मुझे लगता है कि कम पड़ेगी, अगेन ऑफ कोर्स यार, ठीक है, बहुत सारे गेम्स में बॉटलनेक होगा, तो इसलिए इन्होंने 1660 वर्जन निकाला जो थोड़ा बहुत कम परफॉर्म करेगा। तो ये RX 590 को टक्कर देने के लिए, इसकी प्राइस बताई जा रही है $219, जिसको कि आप अगेन इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके 18% GST उसका निकाल के फिर अज्यूम कर सकते हो प्राइसिंग। और इसकी लॉन्च डेट बताई जा रही है वो कुछ दिनों बाद की ही है, जो कि है 14 मार्च, आज है 10 मार्च और ये आएगा 14 मार्च को। और यहाँ पे एक और ग्राफिक कार्ड लीक हुआ है जो कि है बजट गेमर्स का मसीहा, जो होने वाला है, अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि होगा GTX 1650। अब ये जो 1650 है, इसके क्यूडा कोर्स किसी को नहीं पता, बेस क्लॉक नहीं पता, बूस्ट क्लॉक नहीं पता, मेमोरी क्लॉक नहीं पता, लेकिन इसकी जो मेमोरी है वो होगी 4 GB GDDR5, 6 नहीं है, 5 है 1660 की तरह। मेमोरी बस है 128 बिट की, वही अगेन MSRP $179 कन्वर्ट करोगे तो ये अगेन बनता है कोई 13,000 के आसपास है, उस पर 18% GST लगाओगे तो ये 15,000 के आसपास बन जाता है, तो 15,000 के आसपास ये आपको मे बी शायद RX 570 या 580 को टक्कर देगा। ये डिपेंड करता है कि इसके क्यूडा कोर्स बेस क्लॉक बूस्ट क्लॉक क्या है, वो अभी कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे आप कुछ फोटोज देख सकते हो जो MSI के ग्राफिक्स कार्ड की लॉन्च हुई है, यहाँ पे आप बॉक्स पैकेजिंग पे भी देख सकते हो कि GDDR5 मेंशनड है GDDR6 की जगह, और ये मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा, बिकॉज क्योंकि अगर वीडियो कार्ड्स की मैं पुराने लीक्स को देखूं तो इसकी जो 1660 Ti की 22 फरवरी की जो रिलीज डेट थी वो एकदम एक्यूरेट निकल के आई थी, एंड 14 मार्च को मुझे भी लगता है कि 1660 शायद रिलीज होगा, उसके बाद 1650 आएगा, एंड शायद 1630 भी आएगा जो 1030 को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में क्या लगता है, अपने कमेंट्स और विचार और जो भी आपके आने वाले बिल्ड्स हैं उनके बारे में कमेंट नीचे करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।